यूक्रेन पर लगातार हो रहे रूसी हमले के बाद यूक्रेन में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो बेहद भयावह हैं। इस बीच यूक्रेन से लोग भारी संख्या में पलायन भी कर रहे हैं। नई सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग यूक्रेन छोड़ रहे हैं। रोमानिया यूक्रेन की सीमा के पास कारों और ट्रकों का कई किलोमीटर लंबा सड़क जाम देखने को मिला है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल हमले के बाद लोग देश छोड़कर पड़ोसी देशों में भागने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी मैक्सा टेक्नोलॉजीज द्वारा साझा किए गए हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों के अनुसार शुक्रवार को साइरेट सीमा के पास इस तरह की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। राजधानी कीव पर मिसाइल हमलों के बीच यूक्रेनी नागरिकों ने शुक्रवार को पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया में बड़ी संख्या में घुसपैठ की। इस इलाके में बड़ी संख्या में लोगों को सीमा पर घंटों इंतजार करते हुए भी देखा गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में 18 से 60 वर्ष की उम्र के पुरुषों के यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के बाद पड़ोसी देशों में जाने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उत्तरी रोमानिया के साथ सीमा पर इसाकिया में गुरुवार को लंबी कतारें देखी गईं, क्योंकि तब कारें डैन्यूब नदी के ऊपर एक नौका पर चढ़ने के लिए इंतजार कर रही थी। इसाकिया मोल्दोवा और काला सागर के बीच का एक शहर है। गुरुवार को यूक्रेन से कम 29,000 लोगों ने पोलैंड में प्रवेश किया। हालांकि स्पष्ट नहीं हो सका कि इनमें से कितने युद्ध शरणार्थी हैं और कितने घर वापसी करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।